गुड आफ्टरनून बच्चा वादे गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अच्छे हो क्या बात है कहाँ रह गई हमारे बच्चा पार्टी भाई आज हम लोग माइक्रोब्स आज हम लोग माइक्रोब्स करेंगे कैसे हो तुम लोग आज सुबह से तुम लोग को मिले नहीं हम यूजुअली हमारी एक क्लास हो जाती है इलेवन पे आज मैं आज एक्चुअली सुबह से मैंने एक भी सेशन नहीं लिया है तो इस वजह से मतलब मुझे लग रहा है अरे पता नहीं कैसे होंगे मेरी एन एस बटालियन पता नहीं क्या हुआ होगा जिसकी अपडेट मुझे नहीं मिली होगी सो <laughs> so, उम्मीद करते तुम सब बढ़िया हो और पढ़ाई तुम लोग अच्छे से कि हो अपना दिन यूटिलाइज़ कि हो सुबह से टाइम नहीं वेस्ट कि हो ठीक है यही उम्मीद के साथ आज का सेशन ये हम शुरू करते हैं और जैसा कि आप एकदम पहली स्लाइड देख सकते हैं आ, आप लोग का बेटा 25 फाइव परसेंट अनलॉक चल रहा है तो जो, जो भी चीज़ें थी हर एक पे हर एक सब्सक्रिप्शन पे आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ हो चुका है तो तुम्हारे लिए चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी भाई ठीक है आज सुबह से मस्टिंग कर रही थी भाई करो करो कुछ भी करो बस करते रहो मतलब पढ़ते रहो और टाइम लिमिट लगा के पढ़ो हवा में पढ़ाई मत करो ठीक है कि कितना कर रहे हो कितना आ, मतलब जैसे कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था पॉइंट um, ये है कि अभी आपको क्वांटिटी भी देखनी है अलोंग विथ क्वालिटी 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 का हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं लेकिन एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पे सिर्फ क्वालिटी से काम नहीं चलेगा बॉस सो यू हैव टू मैनेज क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्योंकि अगर आप पूरे महीने एक चैप्टर कर रहे हो या फिर आप पांच क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर रहे हो पूरे दिन में या आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए मतलब अब इतना समझ लो बुलेट ट्रेन की स्पीड में तुम्हारा रिवीज़न चलना चाहिए अब

चलिए सो so आते हैं यहाँ पर तो देखो आ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारी सी वी टी डोमेन का सब्सक्रिप्शन चल रहा है सिक्स मंथ का तुम लोग को सिक्स मंथ चाहिए हाँ सिक्स मंथ चाहिए तो ये देखो जिसको सिर्फ साइंस का लेना है मतलब कि साइंस वाले तो अभी तुम्हारी क्लास में साइंस वाले बच्चे हैं तो वो अपना फोर थाउजेंड पे कर देना इसमें तुम्हारे सब कुछ आ जाएगा जैसे कि मेरा बायोलॉजी का को कोर्स अलग से फोर हंड्रेड का है केमिस्ट्री का अलग से फोर हंड्रेड का है है ना तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारी जो टेस्ट सीरीज है नाइन्टी नाइन वन फोटी नाइन और अपकमिंग अगर वन शॉट बैच कुछ भी आएगा मतलब अपना ये सब इसी में हो जाएगा ठीक है so, सो चलिए आइए और हां एक और बात है आज 3:30 थर्टी पी पर तुम लोग का सेशन है मैंने मॉक टेस्ट डाला है लेकिन मॉक टेस्ट देखते हैं अगर अपना जो टॉपिक अभी आज करा रहे हैं उसका पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे टाइम मिलेगा तो हम फुल सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस देंगे ठीक है डिपेंड करता है कितना टाइम है तो ये फ्री है ठीक है और नीचे में मेरी प्रोफाइल की लिंक दी है जाके वहाँ से चेक कर लेना जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग भी देखेंगे वो भी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में जाके टेस्ट दे देना ठीक है क्योंकि आपका तुरंत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा ज्वाइन टेलीग्राम सी वी टी लैंग्वेज जी टी कॉमर्स ह्यूमेनिटीज भाई क्यों है मेरे में बायोलॉजी बैच इन रोल टेस्ट सीरीज नहीं है मेरी प्रोफाइल की लिंक नहीं है क्यों है ऐसा ये तूने क्या किया ये तूने क्या किया ठीक है हम ऐड कराते हैं हर दिन हम एक चीज़ ऐड करा रहे हैं ठीक है सो so, ये हो जाएगा तुम्हारा और सिंपली तुम क्लास सी यू ए टी या किसी में भी जाना निगिता शुक्ला टाइप करना अन अकेडमी वाले लर्नर्स ऐप पे तो मिल जाएगा हम पे फ्री क्लासेस के सेक्शन में जाना है आपको मिंग पर टिक करना आ जाएगा बॉस तो चलो हमने कल बनाई थी दारू आज बनाएंगे क्या बनाएंगे आज हम आज हम बनाएंगे विनेगर आज हम बनाएंगे टोडी ऐसा कुछ बनाएंगे ठीक है शुरू करें हमारे बच्चे कम हो गए बताओ कितने कम बच्चे आए हैं बिल्कुल जरा देखें तो कल वाली रिकॉर्डिंग तुम लोग देखे कि नहीं आ, कल वाली रिकॉर्डिंग कल वाली रिकॉर्डिंग हाँ नहीं देखे वो बहुत सारे बच्चे नहीं देखे हैं बात तो यही होती है ना रिकॉर्डिंग नहीं देखते एक्चुअली आज हम सोचे थे हम नाइन फोर्टी पर सेशन डालेंगे लेकिन कल का नाइन फोर्टी का सेशन कैंसिल हो गया ठीक है so सो देखो केमिकल्स एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल ये एक बहुत अच्छा सा है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं ठीक है बोर्ड्स में भी आते हैं और हाँ तो फिर अभी हम आप आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारी बात ये है कि जो माइक्रोब्स हैं हम लोग पढ़ के आ रहे हैं हम लोग ये पढ़ रहे हैं भाई माइक्रोब्स की तारीफ पढ़ रहे हैं तुम लोग भले ही किसी काम के ना हो माइक्रोब्स बहुत काम के हैं ठीक है तुम्हारा यूज़ एन सी आर टी ने नहीं बताया है लेकिन माइक्रोब्स का यूज़ बताया है तो उसको ज़रा समझो उनकी इज्जत करो तो माइक्रोब्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखो हमने कर लिया ये कोई हाईलाइट करने की चीज नहीं कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं हमारे घर में मतलब हर जगह वही छाए हैं ठीक है सर्टिन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड हो गया एल्कोहल हो गया एंजाइम हो गया ये सब तुमको पता है अब देखो यहाँ पे क्या है पूरे पेज में ऐसे ब्रेक 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 करके पूरा दिया गया है तो एक बार के लिए सिर्फ मेरे साथ अंडरलाइन कर लो पेंसिल से अंडरलाइन करो मन करे हाईलाइट कर लो साइड में मिस्टिक नोट लिखवा देंगे तुम्हारा पूरा पैराग्राफ मिस्टिकी नोट से हो जाएगा तुम्हें दोबारा एनसीआर पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़े ठीक है तो चलिए अभी हम आते हैं यहां पे क्या कहां पे आते हैं आते हैं कि जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपको बोला गया नाइगर ये एक फंजाई है कौन है ये ये एक फंजाई है ठीक है ये क्या बनाते हैं ये बनाते हैं सिट्रिक एसिड जो खट्टा वाला होता है जो लेमन वगैरह में पाई जाती है एक लोग होते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी ये हमारे कौन है बैक्टीरिया बाबा हैं ये क्या बनाते हैं ये बनाते हैं एसिटिक एसिड एक होते हैं कोलेस्ट्रेडियम ब्यूटाइरिकम ब्यूटाइलिकम वो क्या बनाते हैं ये भी एक बैक्टीरिया वो बनाते हैं एक ब्यूटैरिक एसिड एक होते हैं लैक्टोबैसिलस वो भी क्या है एक बैक्टीरिया है ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड सो अगर तुम देखो हमारे पास एक है सिट्रिक एसिड एक हमारे पास एसिटिक एसिड एक हमारे पास ब्यूटैरिक एसिड है एक हमारे पास लैक्टिक एसिड है तो अगर हम एसिड की बात करें तो हमें चार चीजें मिली हैं इसको तुरंत के तुरंत ऐसे बगल में लिख लो ठीक है यहां पर नेम लिख लो माइक्रोब का नाम क्या है इनका बताओ बिना देखे हम पूछेंगे और तुम आंसर बताना हाँ तुम लोग जाएगा उधर मत देखना नेम हो जाएगा इधर में एसिड का नेम हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड है ये सारे बच्चों एसिड नहीं है ऑर्गेनिक एसिड नहीं है ठीक है तो नेम में सबसे पहला आता है जानवी जानवी क्या बनाती है बताओ उल्लू ठीक है जानवी बनाती है जानवी नहीं बनाती है चलो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आ, एस्पर जिलस नाइगर एस्पर जिलस प्लीज अंडरलाइन करना मत भूलना नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे ये बनाता है बेटा सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड याद रखना जो नाइजर बाबा है नाइजर नाइगर एक टाइटल होता है बहुत सारे आपके फ्रेंड शायद हो सकते हैं तो याद रखना नाइगर को लेमन पसंद है

मुझे थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखना चाहिए ना चलो बस यहां पे इसको मार्क कर लो ये नेक्स्ट अच्छे राइटिंग में लिखेंगे इसको ये मार्क कर लो फंजाइए ठीक है टीके? और बाकी सब बैक्टीरिया है यहां से यहां तक तो सिर्फ एक याद कर लो अपने आप काम हो जाएगा ठीक है हाँ। और अगर देखो पता है इतना याद भी नहीं करना एज पर जिलस अगर तुमने थोड़ा भी आंख और दिमाग खोल के क्लास इलेवंथ पढ़ा होगा एज पर जिलेस हम लोग को पढ़ाया गया था फंजाई में ठीक है एग्जाम्पल्स में तुम लोगों ने किया था मेम्बर्स में हाँ तो तुम वो तुम्हें पता ही होना चाहिए और इतना और एक सिंपल बता तुम्हें बैसिलस बैसिलस क्या होता है बैसिलस टर्म यूज होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के लिए तो अगर बैसिलस आ रहा है ना और हाँ तो ये अपने आप बैक्टीरिया हो गया एसिटी नहीं चलो ठीक है एसिटोबैक्टर ये भी अपने आप बैक्टीरिया हो गया तो ये सारी चीज हमारे पास हो जाएगा एस्पर के नगर में नींबू का ठेला अरे भाई जैसे भी याद रखो सिट्रिक एसिड याद रखो क्योंकि कभी कभी आप ये भी कंफ्यूज हो जाते हो कि लेमन में कौन सी किस्मत खराब होती है ना तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि लेमन में कौन सी एसिड थी सिट्रिक एसिड थी या क्या थी ठीक है तो इसलिए एकदम डायरेक्ट याद कर लो जैसे भी याद करो याद कर लो पॉइंट इतना है कि इसको मत भूलो और ये तुरंत के तुरंत ये सब करके खत्म करो अब आते हैं ईस्ट की फिर से तारीफ होती है सेक्रोमाइसिस से सेरेवेसी अगर चलो तुम लोग को एक टास्क देते हैं हम पूरे एन में पूरे एन में कितनी जगह ईस्ट और सेक्रोमाइसिस से सेरेवेसी टर्म यूज है जो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताएगा उसका उसको जो है उसका कल हम उसके लिए कल हम लाइव क्लास में ताली हो जाएंगे ठीक है इतनी जगह इस चैप्टर में सेक्रोमाइज सेरेवेसी और ईस्ट है बहुत ज्यादा नहीं है खैर हम बता रहे हैं मतलब विद इन हाँ तो देखते हैं किसको याद रहता है हम लोग वर्ड गेम खेलते हैं अभी मत ढूंढने लग जाओ अभी पढ़ो ठीक है और एक काम करना अच्छा नहीं चलो ठीक है काउंट ही कर लेना चलिए एक अपना एक गेस वर्क बताना और फाइनल लिखना कि तुम गेस कितना कर रहे थे कितना है लर्न अरे भाई लर्न ही तो कर रहे और क्या कर रहे हैं ठीक है

आ, पनीर लबाबदार खा रहे हो तो गिर गई अगर यहाँ पे ऑयल वगैरह लग गया तो लाइपेजेस आपके जो एंजाइम होते हैं वर्क करते हैं क्यों क्योंकि ये लाइपेजेस हैं लिपिड को ब्रेक डाउन करते हैं जो आपका फैट होता है ऑयल में होता है कैट्राइगल्स रेड फैट तो जब उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं स्टेन हट जाता है इट्स एज सिंपल एज दैट देखो लाईपेज से याद रखना भाई लिपिड लिपिड मतलब फैट फैट मतलब ऑयल ऑयल स्टेन इट्स वेरी ियस कॉन्सेप्ट तो लाइपेजेस हमारे किस चीज़ में यूज होते हैं यूज होता है डिटर्जेंट में आपके रिमूव स्टेन्स को रिमूव करने के लिए और आपको बोला कि आपने देखा होगा कि जो बॉटल वाले फ्रूट जूस आते हैं अगर आप मार्केट से लेके आते हो वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं क्लियर मतलब देखो ना एकदम उनके अंदर में फाइबर्स नहीं होते हैं प्रोटीन फाइबर्स उसके अंदर होते नहीं है एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ आपको उतना आपने देखा आपको पता है स्लाइस माजा वो सब भी खरीद लो आपको दिखी गई ठीक है खैर अब हम आते हैं आजकल अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है आजकल बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं उनको पता है कि हाँ अभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस इस चीज़ के लिए हो रही है कि बॉटल जूस के अंदर प्रोटीन्स और ये सब हटा देते हैं अभी वो आजकल थोड़े फाइबर्स और वो डाल रहे हैं वो पूरा नहीं रिमूव कर रहे प्रिजर्वेटिव ज़्यादा ऐड कर रहे हैं बहुत सारे आजकल आ रहे हैं तुम लोग जाए करो देखा करो जो बहुत क्लियर दिख रहा है मतलब सबसे बकवास है जिसमें तुम्हें तो दिख रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ तो है जैसे गुआ वाला कुछ कुछ में आते हैं उसमें यू कैन टेस्ट प्रॉपर गुआ और उसके सीड्स वगैरह होते हैं वो भी होता है ना नेचुरल से बटर नहीं होता बट जो एकदम फिल्टर करके प्रोटीन वगैरह हटा देते हैं उससे तो बटर ही होता है तो वो देख के चूज़ किया करो है ना वो जो एग आते ऐसे टाइप में कैपच उसमें उसकी पैकेट में आते हैं क्या बोलते हैं जैसे केचप वाली पैकेट होती है वैसे में आते मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ठीक है सो यू मस्ट हैव नोटिस बॉटल जूस बॉटल जूस बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं इन जो हम घर पे बनाए इसका रीजन क्या है कि बॉटल जूस को क्लियर कर दिया जाता है किससे पेक्टिनेज एंड प्रोटीजे से बॉटल जूस को हम लोग क्लियर करते हैं किससे पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीज सोचो पागलपन देखो कि लुक्स के चक्कर में कि बहुत अच्छा दिखे बहुत सुंदर दिखे उसके चक्कर में प्रोटीन हटा दे रहे हैं भाई जूस पीने का मतलब क्या है और हमें अच्छा भी दिखता है तो हम ले लेते हैं मतलब पूरी पब्लिक उल्लू है और सबसे बड़े हम लोग क्योंकि हम उसे खरीद रहे हैं मतलब क्यों क्या मतलब है अच्छा कितना ही खराब दिख जाएगा भाई हम लोग का जूस इतना भी ख़राब नहीं दिखता चलिए स्टेप्टोकाइनस स्टेप्टोकाइनस हमारे पास किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है ये स्टेप्टोज बैक्टेरियम से बनती है और ये हमारी प्रोड्यूस करती है क्लॉड अच्छा तुम्हारे में दो एंजाइम दिए हैं प्रोटीस प्रस दिया हुआ है ये भी कर लो ये यहीं पर लिख लो यहाँ पे इसका फंक्शन लिख लो एनजाइम्स का एंजाइम्स वाली टेबल बना लो एंजाइम्स वाली टेबल में क्या आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लाइपेजेस सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड uh, हमारे पास आ जाएगा प्रोटीज एंड पेक्टीज प्रोटीज एंड पेक्टीनिज पेक्टीनिजेज एक पेक्टीनिज है पैक्टीनी ठीक है इनका क्या काम है यूज इन डिटर्जेंट डिटर्जेंट अब देखो अगर तुम्हें नहीं लिखने का तुम्हारी नोट्स में ना लिखा ही हुआ है आ, तो तुम्हें यहां पे लिखने का नहीं है तुमको पता है कि डिटर्जेंट हम लोग क्यों ही करते हैं ठीक है तो इतना आपको टेंशन नहीं इफ यू वांट यू कैन राइट कि ऑयल स्टेन रिमूव के लिए ठीक है बाकी तुम लोगों के पास डिटेल नोट तो हाई है बस इतना लिखो कि तुम्हें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े प्रोटीनइज प्रोटीनज क्लियरिंग फ्रूट जूस बॉटल क्लियरिंग फ्रूट जूस बस तो बस इतनी सी हमारी यहां पे कहानी है अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल तुम्हें कर, कुछ कुछ दिए हैं अच्छा इसमें से किसी को तुम्हें नहीं दिया गया कि हम लोग कहां से इसका सोर्स हमें नहीं बढ़ाया गया और ना ही हमें सोर्स करना है हाँ तो एक सेकंड रुको ना ही हमारे पास सोर्स है ना ही हमें करना है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे देखो हमने ऑर्गेनिक एसिड किया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हाँ इसके बाद हम लोग आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे एक हमारे पास एक और चीज़ है वो हमारे पास क्या है स्टेप टू ऑक्स वाला है जो कि क्लॉट बस्टर की तरीके से यूज होती है ये देखो यहां पे देखो होता क्या है इसको हम थोड़ा समझा देते हैं एक्चुअली मेरा वो गायब हो गया है रफ बोर्ड पता नहीं कैसे आता है ठीक है देखो होता क्या है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ठीक है ठीके? तो बेटा इंसान का ये दिल होता है ठीक है तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसे ही पता है बहुत से हमारी ब्लड वेसल्स का डायमीटर उतना ज्यादा भी नहीं होता है तो आपकी क्या होती है कि मान लो आपके हर्ट ने ब्लड पंप किया ठीक है अब क्या होता है यहीं पे कहीं पे किसी भी वजह से छोटी सी से, से क्लॉटिंग आ गई इसको क्लॉट बोलते हैं तो होता क्या है ब्लड जितना अमाउंट में फ्लो होना चाहिए उस हिसाब से ब्लड नहीं फ्लो होता है बेसिकली ब्लड के रास्ते में रुकावट आ जाती है है ना तो प्रेशर यहां पे ज्यादा बिल्ड होने लगता है तो आपका क्या हो जाता है उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है दिल के दौरे पड़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस इंसान को जो भी इंसान है जिसको भी हार्ट अटैक हुआ ठीक है इस इंसान को हम लोग क्या करते हैं इस इंसान को हम लोग एक, इंज, एक इंजेक्शन दे देते हैं क्या करते हैं इसको ऐसे एक तुरंत में जैसे ही हार्ट अटैक होता है इसको एक इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन के अंदर होता क्या है ये मान लो हमने इंजेक्शन इसको दिया ठीक है ये ऐसे इंजेक्शन हमने इसको दे दिया ये इंजेक्शन है तो इंजेक्शन के अंदर हम लोग क्या देते हैं स्टेप्टोकाइनेस देते हैं क्या देते हैं स्टप्टोकाइनेस अब स्टप्टोकाइनेस आता है ला ना कौन आता है स्टप्टोकाइनेस बोलता है कौन है जिसकी वजह से हमारे ब्लड के रास्ते में रिकॉर्ड बन रही है बोलता है मैं उसको तोड़ दूंगा काइनेस का मतलब होता है काइनेसिस कराना ब्रेक कराना ठीक है तो ये क्या करता आता एकदम आराम से एकदम फ्लो में ऐसे फ्लो करते हुए इंजेक्शन हम देंगे या ब्लड में इंजेक्शन दे रहे हैं तुरंत आई जाएगा तो ये क्या करता है इसको ऐसे तुरंत उठा के इसको मारता है ठड़ाक और ये क्या होता है ये क्लॉट जो होता है टूट जाता है फट जाता है तो इसको बोलते हैं क्लॉट हो गया ब्रेस्ट ठीक है तो इसी वजह से स्ट्रिप्टोकाइनस को बोला जाता है कि ये मायोकार्डियल जब भी हमारा हार्ट अटैक होता है तब ये क्लॉट ब्रस्टिंग एजेंट के तरीके से काम करता है और इसको बनाने वाला कौन है इसको बनाने वाला स्ट्रेप्टोकोकस है कौन है स्ट्रेप्टोकॉक्कस कोकस देखो कोकस लास्ट में आ रहा है बेसिलस लास्ट में आ रहा है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया समझे बॉस थैंक यू जिया <laughs> <laughs> कुछ हो ना हो मेरे बच्चे सरकार बहुत अच्छा सीखते हैं ठीक <laughs> है वो ड्राइंग नहीं वो तुम्हारे एग्जाम में आंसर आ, का जो है वो है क्या बोलते हैं इमेज है मेरी ड्राइंग चाहे जितनी गंदी हो एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना यही ड्राइंग याद आएगी इसको हम ऐसे बता के भी निकल सकते थे वो मैंने बनाया इसीलिए कि तुम्हारे माइंड में इमेज प्रिंट हो बेटा तुम लोग हमारे ड्राइंग की इज्जत नहीं कर रहे हो कीमत करो ऐसे नक्को करो भाई और हम तुमको कितनी बार बताएं कि आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग तुमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोटोटाइप देखा ही इट जस्ट कि मुझे नहीं लगता कि भाई किसी और के बिजनेस किसी और का मान लो पिकासो है या जितने भी अच्छे अच्छे पेंटर हैं अब हम भी अगर ड्राइंग करने लगे बेचारों ने अपनी जिंदगी लगाई है कहाँ उनका नाम रह जाएगा तो ऐसे किसी के पेट पे लात नहीं मारते भाई अपना तो बहुत क्लियर है हम हैं बड़े भले इंसान तो इस वजह से हम उस फील्ड में नहीं जा रहे हैं वो तो तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम्हें लाइव मॉडल देखने को मिल जाता है पता इट्स तो तालंत समझे इट्स तो अ तालंत जो सबके पास नहीं होता है तो देखो यही पे लिखा है कि हमारे पास यही जो हमने आपको बताया कि स्ट्रेप्टोकाइनेज ये देखो काइनेज का याद रखना ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस उससे बनती है और आपकी एंड मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉडिफाइड बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग ज यूज एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन माओकार्डल इंफ्रैक्शन बेसिकली हार्ट अटैक लीडिंग टू हार्ट अटैक माओकार्डल इन्फ्रैक्शन बहुत मतलब की बेसिकली आपका क्या होता है जब हाँ तो आपका मतलब कहीं ना कहीं प्रिमिटिव स्टेज होती है उसकी हार्ट अटैक के

तुम लोग इस जन्म में भी अच्छा काम करो ठीक है चलो हार्ट अटैक नेक्स्ट एनादोर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो हो गए हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए ये हमारी यूज होती है एक बाइ बायो एक्टिटिव मॉल्यूल माइस्टो का यूज हो गया दूसरा हमारा होगा साइक्लोस्पोरिन ए ये यूज होता है इम्यूनर सप्रेसिव एजेंट की तरह जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है पेशेंट में जो कि प्रोड्यूसड करते हैं बाई फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिसपर्मा ठीक है ट्राइकोडर्मा पॉलिसपर्म क्या करती है एक बायोटेप मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम साइक्लोस्पोरिन ए है और वो आपकी क्या करती है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तरीके से काम करती है लास्ट डे अभी तुम्हें हमने मैचिंग वाला कराया था तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज हुआ था एक है होती है स्टैटिन जो कि हमारी प्रोड्यूस होती है ईस्ट से ठीक है और हमारे पास आपका जिसका नाम वो क्या बनाती है मुनस्कस पर्क्यूरस जिसका नाम है और वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरीके से काम करती है और कैसे काम करती है वो क्या करती है जो एंजाइम आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है उस पर कॉम्पिटेटिवलीमिट करती है देखो और आपके एंजाइम्स को बनने से रोक लेती है ठीक है मैंने क्या बताया बायो एक्टिव मॉलिक्यूल मैंने आपको पढ़ाया बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इसमें हमने क्या किया सोर्स नेम है ना फंक्शन इट्स एज सिंपल एज डैट सोर्स हमारे पास सबसे पहले क्या है देखो कंफ्यूज मत तुम्हारे चैप्टर में एक जगह स्टेफाइलो भी यूज है स्टेफाइलो हमने कहां यूज किया स्टेफाइलो हमने यूज की है एंटीबायोटिक वाले में कि अलेक्सेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलो पे वर्क कर रहे थे और उनको फिर ये मिला ठीक है तो स्टेप्टोकॉकस ये क्या बनाएगा स्ट्रप्टोकाइनीज इसका काम क्या है क्लॉट ब्लस्टर के तरीके से काम करता है बस छोटा छोटा लिखो तुम्हें पता है कब जरूरत पड़ेगा बाकी डिटेल नोट से पढ़ लेना बस यहां से तुम्हें उसकी जरूरत है सेकेंड हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया स्टेप्टोकाइनी हो गया और हमने क्लॉट बस्टिंग कर दी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ट्राइकोडर्मा पॉलिस्परम ट्राइकोडर्मा यहाँ पे पॉलिसपर्म लिख लो और ये सब लिख के तुम लोग प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा साइक्लोस्पोरिन अच्छा कभी कभी ना साइक्लोस्पोरिन बी दे देता है इसी को इसका काम क्या है इसका काम है आपका इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट अब आपको पता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की जरूरत हमें कब पड़ती है ठीक है जब भाई हमारे पास आते हैं ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होगा और हमें कभी जरूरत पड़ेगी मोनस्कस purpureus, स्पेलिंग मोनस्कस देख लेना. स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दो क्वेश्चन बनता है पता है कि हाउ ये कैसे अच्छा ये वाला ये वाला ज्यादा समझो हमारे पास होता क्या है जब बेटा organ ट्रांसप्लांट होती है किसी की बॉडी में तो अरे नहीं भाई कहां जा रहे हो जब मान लो हम तुम्हें बताते हैं अगर ये चिंटू है ठीक है अब चिंटू ने क्या किया चिंटू की चिंटी छोड़ के चली गई ठीक है अब चिंटू हो गया शराबी क्या हो गया चिंटू शराबी अगर बेटा चिंटू शराबी हो गया तो इसका अल्टीमेट होगा क्या इसका अल्टीमेट होता ये है इसका अल्टीमेट ये होता है कि हसना बनाए हसना मना है भाई अब क्यों शराबी हुआ उसकी वजह हम नहीं बताएंगे भाई इसकी चिंटी छोड़ के चली गई होगी है ना नहीं मिल रहा होगा इसको एनसीआर और क्या अब हुआ ये कि इसका लीवर हो गया डैमेज बॉस लीवर हो गया डैमेज लेकिन प्यार सच्चा था तो जो इसकी चिंटी आई वो बोली मैं तेरे साथ हूं तू मेरा लीवर ले ले ठीक है इसने इसको दे दिया लीवर अपना डॉक्टर ने बहुत मना किया लेकिन ने कही नहीं ये रहेंगे तो हम भी रहेंगे तो यहां पे लीवर को उठा के डॉक्टर ने तुम जैसा डॉक्टर था उसने क्या किया बॉडी में इसके उठा के लीवर को ट्रांसप्लांट कर दिया इसको बोलते हैं ग्राफ्ट ग्राफ्ट एक कॉमन टर्म होता है बेटा किसी भी ऑर्गन के लिए किसी भी टिश्यू के लिए जो हम कहीं और से लेते हैं है ना उसको ग्राफ्ट बोलते हैं तो इसी को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं इसी को हम ग्राफ्ट बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है चलो इसके पास आ गया भाई नया नया लीवर आ गया अब रिप्लेस हो गया अब लेकिन इसकी बॉडी में बुखार आने लगा इसकी सेल्स किल होने लगी है ना मतलब इसकी बॉडी सही से रिजेक्ट कर रही है इसकी बॉडी लीवर के थ्रू फंक्शन नहीं कर रहा है ये इसकी बॉडी में आ तो गया बट फंक्शन ही नहीं कर रहा है बताओ डॉक्टर जो था उसने क्या गलती की है या फिर उसको क्या करना चाहिए कि हाँ मतलब ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है बॉडी क्या क्या यूज करके इसको थोड़ा नॉर्मल किया जा सकता है कुछ आइडिया हां नमन जल्दी बताओ भाई हाँ मतलब बॉडी कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रही है कि नहीं हमको नहीं चाहिए दो क्वेश्चन यहां से रिजेक्ट कौन सी सेल कर रही है रिजेक्शन का रीजन कौन है वो जो बोल रहे हैं नहीं ये हमारा अपना नहीं है तो चिंटी का है और दूसरा हाउ वी कैन सप्रेस इट इट इज इम्यून इसका जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं वेरी गुड आशु तुम्हें मिलते एक करोड़ रुपीज हमारे पास यहां पे जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है वो हम साइक्लोस्पोरिन एस को दे देंगे तो क्या होगा इसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा ठीक है और कौन है इसको रिजेक्ट करने का रीजन इसको रिजेक्ट करने का रीजन है बेटा तुम लोग को जो नहीं आ रहा है तुम लोग का हो गया दिमाग खराब और तुम लोग अब पिटोगे टी सेल टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन अगर बॉडी में कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो जो टी सेल्स होती हैं वो पहचान जाती नहीं तुम मेरे नहीं हो तुम तो किसी और के हो उसका अलग ड्रामा शुरू होता है मैं तो इसको जानती नहीं मैं तो इसको दूंगी नहीं बो, मतलब बॉडी में बगावत क्रिएट कर देती है ना वहां से बॉडी ब्लड लेगी ना पंप करेगी मतलब बहुत वर्स केस हो सकता है इट्स लाइक like कि इग्नोर कर देते हैं उस उस ऑर्गन को वो लोग बोलते हैं मेरा कौन है मैं तो उसे पलट के भी देखूंगा अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट की केस में भी ये होता है अगर मान लो आपने ब्लड टिश्यू मैच नहीं किया है और उसके बाद उठा के डाल दिया है बॉडी में रिजेक्ट करती है अगर स्टार्टिंग में थोड़ा भी इम्यूनो सप्रेसिव नहीं दिया गया है तो आपका होता क्या है कि वो अपनी ही जो दूसरी ब्लड सेल्स होती है उन्हीं को मारने लगती है ठीक है इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स समझे बॉस तो यहां से तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है अगर तुम्हारे माइक्रोब को ह्यूमन हेल्थ को कनेक्ट करके यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है हमें डाउन कराना है बताओ कौन सा एंजाइम हम लोग लगाएंगे या कौन सा बायोक्टिक मॉलिक्यूल हम लोग लगाएंगे और कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जिससे करा सकते हैं या फिर यहीं से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना समझ आई बस हाँ साइक्लोस्पोरिन नहीं देते दे भाई और नमन तुम चिंटी को क्यों देख रहे हो तुम्हारा ध्यान पढ़ने पे नहीं है लेट से आते हो इधर उधर निगाहें रहती हैं लाइक करते नहीं हो सेशन को मार खाओगे तो हम कब से स्टार्ट किए उसके बता रही हूँ कि मैम सो so, अच्छा इस चीज का याद रखना अच्छा यहां पे देखो एक चीज का याद रखना बायोएक्टिव मॉलिक्यूल वाले में बेटा सिर्फ ये वाला है स्टेप्टोकोकस वाला सिर्फ ये बैक्टीरिया है है ना बाकी ये दोनों फंजाई हैं बाकी दोनों फंजाई हैं मैंने क्या बोला कि देखो दो दो चीजें उल्टी हैं हमने क्या किए हमने एक जगह हमने पढ़ा है आ, क्या बोलते हैं हमने जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा है वहाँ पे सिर्फ एक फंजाई है बाकी सब बैक्टीरिया है बायोटिक बायोटिक मॉलिक्यूल में याद रखना सिर्फ एक बैक्टीरिया बाकी सब फंजाई है क्योंकि यहाँ से ना कभी कभी ऐसे तुमसे पूछ लिया जाएगा गिवन एग्जाम्पल ऑफ टू बायोटिक मॉलिक्यूल विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम फंजाई तो अगर आप वहाँ पे स्ट्रिप्टो लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा कृपया करके इस पूरे पैराग्राफ में एक बहुत बड़ा ट्रिक यही है कि आपको इस चीज़ को ध्यान देना कि फंजाई का पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया का पूछा जा रहा है इसको गलत करके आओगे तो मार खाओगे ठीक है ड्रेस नहीं चेंज किए हैं तो अब कहाँ बेटा कहाँ करोगे अच्छा हाँ एक और चीज़ है ये ना ये बहुत यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर हो सकता है ये तुम लोग इग्नोर कर सकते हो प्लीज इसको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो यहाँ पे नहीं तुम्हारे नीट में पिक हो जाएगा क्योंकि बहुत हिडन पॉइंट है ये कि इट एक्ट्स एज अ कॉम्पटिटिवली इनहिबिटिंग द एन्जाइम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटिंग में होती क्या है इसको थोड़ा समझा देते हैं ठीक है तो ये तुम्हारा एक्चुअली नीट में इसका ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा फ्रॉम बायो मोलिक्यूल चैप्टर से कनेक्ट कर देंगे इसको ठीक है बट यहां पर सिर्फ तुम याद रखोगे तो भी चला जाएगा लेकिन अगर करा रहे तो हम ही देते हैं आपको पता है कि कोई भी एंजाइम होता है है ना और उस पर क्या होता है सबस्ट्रेट आके बाइंड होते हैं और उसके बाद ही आपका अल्टीमेटली वो आपका एंजाइम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है तो कॉम्पिटेटिव लिमिटिंग कैसे करता है कि जो सबस्ट्रेट है उसी के तरीके और आपको पता है ये जो साइट होती है आपकी जो एंजाइम बाइंडिंग साइट होती, बहुत होती है बहुत स्पेसिफिक होती हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को ही सेट करती है मतलब उनमें हर एक एंजाइम पर कोई भी सबस्ट्रेट आके नहीं फिट हो सकता लेकिन स्टार्टिन क्या करता है स्टेटिन का जो शेप है ठीक है वो क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है उसका जो सबस्ट्रेट है ना उसी के एजेंट के तरीके से होता है तो क्या करता है कि इसके साइट पे जाके पहले बैठ जाता है मतलब कि यहाँ पे स्टैट का ही बैठ जाएगा बना हुआ तो होता क्या है कि बेचारे हमारे जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एजेंट है उसको जगह ही नहीं मिलती है इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिवली इनहबिट करना ठीक है कि कॉम्पिटिशन नहीं मैं नहीं मैं इट्स लाइक like कि तुम्हें मिलनी है तुम्हें मैंने बुलाया मैंने बोल दिया कि हाँ भाई चलो आज हमारी क्लास में हाँ मैंने बोल दिया कि दिशा जो है दिशा का मैंने बोल दिया कि आज दिशा मेरे घर पे आएगी दिशा को हम एक मिलियन डॉलर देंगे ठीक है और मैंने रखी है फ़ोटो कि सिर्फ दिशा आएगी उसी को देंगे अब क्या हुआ कि दिशा के प्लेस पे नमन दिशा जैसा बन के आ गया अब मैंने उसको दे दिया भाई मेरे पास है हाँ ही नहीं है दोबारा कहां से दे तुमको वही सेम चीज यहां पे होता है उनकी साइट जो होती है वो बाइंड कर जाती है ऑलरेडी साइट को हम छुपा लेते हैं तो हमारे क्या होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग कर पाता है सबस्ट्रेट और हमारा एंजाइम का एक्शन नहीं होता अल्टीमेटली प्रोडक्ट नहीं बनता है तो इस चीज को याद रखना कॉम्पिटेटिव इनहिबिटिंग देखो बहुत बहुत तरीके का इनहिबिशन होता है कॉमटिटिव इनिबिटर और आपके एक में आपकी उसकी साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है तो ये सारी चीजें तुम लोग को यहाँ पे नहीं करनी है मैम फिर तो फिफ्टी क्यों लूंगा हंड्रेड लूंगा ज़्यादा लालच दिखाओगे तो जाओगे जितना मिले कहते हैं ना कि जो फ्री का धन होता है ना जितना मिले उसको रख लेना चाहिए उसमें नखरेन दिखाना चाहिए मुझे तुम दे के देखो हम तो फिफ्टी भी ले लेंगे फिफ्टी क्या पच्चीस दो इट करो इसी वक्त कि देखो मैम झूठ बोल रही कि नहीं है ना आज तुम चेक ही कर लो <laughs> चलो अभी हम लिख दे रहे अपना बैंक का डिटेल यहां पे आगे आते हैं सो ओवरऑल पॉइंट अब आ गए हम लोग माइक्रोबिन सीवियर्स ट्रीटमेंट ओ बॉस ये तो बड़ा ट्रॉपिक है यार क्या किया जाए सो so, अच्छा ये तुम्हारा बोर्ड्स में आता है कि हाउ डज डजार्ट हाउ डज स्टैटिन वर्क एज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट तो इस चीज़ को याद रखना बाई इनहिबिटिंग बाई इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ तुम इसको हटा देना बाई बाई द सिंथेसिस ऑफ एनजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ठीक है कोलेस्ट्रॉल बनने ही नहीं देती इस वजह से आपका लिमिट रहता है समझे बॉस हंसते बहुत तुम लोग सेशन को बस ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो बाकी सब करवा लो एक एक अपने क्लासमेट को नहीं लेके आ पाते हो कि किसी एक को बोलो चल भाई पढ़ ले कुछ तो नेक काम करो धरती पे आए हो शर्म करो भगवान भी सोच रहे होंगे कि किस प्राणी को बना दिया इस इस इंसान में तो इंसानियत ही नहीं है ठीक है चलिए सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट से मेरे को ख्याल आया कि सीविस ट्रीटमेंट आज नहीं पढ़ाते हैं ठीक है क्योंकि मेरे को ना ब्लैंक स्लाइड पे इसको पूरा बनाना पड़ेगा नहीं तो समझ समझ आएगा नहीं तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है मेरे पास है जो तुम लोग को अभी हम कराए थे वन शॉट वाले में उसी को हम नेक्स्ट डे स्लाइड ऐड कर ले उसके थ्रू एक्स एक्सप्लेन करके फिर इसमें पढ़ेंगे क्योंकि मस्त टॉपिक है यहाँ से तुम्हारा डिटेल भी आता है और वो भी आता है तो अपना एक टॉपिक भी प्रेपेयर हो जाएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको हम इस वजह से कराना चाह रहे मुझे पता तुम लोग को आता है ये हम इस वजह से कराना चाह रहे हैं ना कि तुम लोग मेरे बनाओ जब हम समझाते हैं तुम लोग बना के देखो जिससे तुम्हारा ये एक क्वेश्चन होता है टू थ्री मार्क्स का तो तुम्हारा लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाए क्योंकि इस चैप्टर से यही सीवेज ट्रीटमेंट अलावा लौं कुछ लॉन्ग आता ही नहीं सीवे है सीवेज ट्रीटमेंट आता है बायोगैस बनाने को आ जाता है बाकी कुछ लॉन्ग में नहीं आता है तो ये तुम्हारे लॉन्ग में है तो अपना कर लो ठीक है चलो सो so, नेक्स्ट आते हैं अरे दोस्त नहीं ये देखो हम क्या बता रहे हैं यही तो तुम लोग समझते नहीं हो जानते हो दोस्तों के साथ शेयर करो ना करो दुश्मनों के साथ शेयर करनी चाहिए बालोजी ठीक है उसका रीज़न है उसका उसका रीजन ये है कि उनका कॉन्फिडेंस डूब जाएगा निकाल लो दुश्मनी ले आओ जेनेटिक्स के मॉक टेस्ट में ह्यूमन प्रोडक्शन के मॉक टेस्ट में हम तो कह रहे हैं दोस्त नहीं दुश्मन की जरूरत है मैंने कब बोला दोस्तों के साथ शेयर करो भाई हम तो बोलते हैं जिससे भी बदला लेना है उसको बोल दो कि भाई ले ले बायो बायो इजी है है ना नीट तो यूं निकल जाएगा और बायो तो ट्वेल्थ में कुछ करना नहीं होता है इलेवन ट्वेल्थ में सिर्फ तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस करना होता है ऐसे ज्ञान दो निकालो जिंदगी भर का बदला चलो ये हो गई हमारे पास खत्म ये इसको हम लोग कल करेंगे हाँ इसको हम अलग से एक टॉपिक पे करके खत्म करेंगे आज हम माइक्रोब्स आज हम करेंगे बायोगैस चलो बायोगैस बनाते हैं कितना टाइम हमारे पास है उसी हिसाब से हम बनवाएंगे हाँ हम तो बता रहे हैं जो जो जिसके घर वाले जिसके जैसे दूर के रिश्तेदार हो जो लोग बहुत बोल रहे हो कि मतलब ऐसे होता है ना कि आप तैयारी व्यारी करते हो किसी चीज़ का उसके बाद फिर आपका नहीं निकलता तो बहुत सारे रिलेटिव होते हैं वो बोलते हैं कि अरे ऐसे नहीं निकला और मतलब आसानी है बहुत लोग निकाल लेते हैं तो उनको ये मत बोलो कि नहीं मुश्किल है उनको बोलो कि हाँ मतलब फर्स्ट uh, टाइम में निकल जाता हो तो मैंने लापरवाही कर दी नहीं तो निकल जाता है एक काम करना आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा देना है ना देन जस्ट वेट एंड सी है ना बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ट्वेल्थ के साथ तो तुम एम्स कर लो वैसे हो भी सकता है इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर स्कूलिंग तो बहुत आसान होता भी नहीं है वो नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं जनरली उनकी निकल जाती है बट स्कूलिंग वाले बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो अगर स्कूलिंग का मतलब प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं उस उनका ट्वेल्थ के साथ तो नहीं निकलता है तो वही बता रहे ये मत बोलो उनको ये मत समझाओ कि हम स्कूल जा रहे थे इस वजह से बोलो हमने लापरवाही की उनको बोलो कि ठीक है आप स्कूल में दिला दो अपने बच्चों को और करा लो कर लेगा हम तो हैं लापरवाह एंड जस्ट वेट एंड वॉच चलो आते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन हमने कर रखा है इसलिए बता रहे हैं <laughs> इन बायोगैस प्रोडक्शन पे बातें अब यहां पे आगे की कहानी ठीक है इसमें हमारे पास चलो बीस मिनट हो जाएगा सो so, यहां पर देखो बायोगैस क्या है बायोगैस एक मिक्सचर है गैसेस के इसीलिए बोल रहे हैं लिंक शेयर करो इतना मोटिवेशन और कितना चाहिए बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस गैसे कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मिथेन देखो ये तो इतनी बार पता है ये इतना क्वेश्चन आया है ये जीके का क्वेश्चन बन चुका है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है मीथेन 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 बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ठीक है तो इस वजह से इसको कराओ प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोवेल एक्टिविटी कैसे बनती है माइक्रोवेल एक्टिविटी से बनती है और जहां पे हम लोग क्या करते हैं जिसको हम लोग फ्यूल की के के हैं. हैं जो कभी कभी तुम लोग फैलाते हो हमारे टेस्ट में वही वाले गोबर सो यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैशियस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटामोलिज्म ये यहाँ पे क्यों बोला गया क्योंकि एक्चुअली हमने पढ़ा है आ, हमने अभी पिछले तुम तो लोग को सीवज नहीं पढ़ा है बाकी सीवेज में हमने पढ़ा था कि देखो जो भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं उनकी जो मेटामोलिक पाथवाएँ होती है वो अलग अलग तरीके की आपकी क्या करते हैं गैसेस प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर वैसे भी तुमको पता है जैसे हम लोगों ने इथेनॉल वाला किया था फर्मेंटेशन में जाते हैं तो वो आपके सीओ टू प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे होते हैं जो सल्फर गैस प्रोड्यूस करते हैं तो अलग अलग माइक्रोब्स के ना गैसेस बाई प्रोडक्ट्स बहुत अलग होते हैं तो वो आपका बनता रहता है ठीक है तो वही आपको बोला गया है कि आपको पता है आ, दिस टाइप ऑफ गैस प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द माइक्रोब एंड देखो ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गैस कौन सी बनेगी देखो यहाँ पे इस चैप्टर में ना यही सारी चीजें हिडन है जैसे कि चीज़ का फ्लेवर क्या होगा टेक्सचर क्या होगा आपका कलर क्या होगा ये किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा हमने कौन सी माइक्रोब यूज किया है एल्कोहल हमारी कैसी होगी डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया है एट द सेम टाइम ने प्रोसेस क्या अप्लाई की है अगर हम बात कर लें कि गैस कौन सी बनेगी उसके क्या क्या फैक्टर उसके फैक्टर डिपेंड करते हैं कि माइक्रोब्स कौन सा यूज है एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा यूज है यूटिलाइज कर रहे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये देखो दो, दो ही तीन जगह है ये देखो इन एग्जाम्पल साइटेड इन द रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ द डो देखो डो है चीज है मेकिंग एंड प्रोडक्शन वेवरेज इज द मेन गैस प्रोड्यूस वीओ टू देखो आप एक एग्जाम्पल दिया है कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे है? थे फर्मेंटेशन में हम लोग डो यूज कर रहे थे चीज यूज करते हैं ये देखो सबस्टेट है इन सबस्टेट पर अगर आप वर्क कराओगे तो हमें क्या मिलेगा सीओ टू यूज करेगा लेकिन आपको क्या बोला हाउ वर सर्टीन बैक्टीरिया लुके दिस सर्टीन वैक्टर बिच गो एनरोबिकली ऑन सेलोलोजिक मटीरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ सी ओ टू एंड अ स्टोर ये देखो ये आपको बोला गया है कि देखो नॉर्मली जो हमारी बैक्टीरिया हैं वो अगर आपके फीड कर रहे वगैरह वो आपके निकालते हैं लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली है कि अगर हम एनारोबिकली बैक्टीरिया की बात कर लें खैर ये भी थे जो निकाल रहे थे लेकिन अगर वो सेलुलोजिक मटेरियल पर फीड करा दो उनको देखो हमने क्या बोला माइक्रोब्स एंड मटेरियल दो ही चीजें मैटर करती हैं तो क्या बनाने लगेंगे वो हमारे मीथेन, बनाने लगेंगे तो देखो अपनी माइक्रोब मतलब, बदलेंगे और हम सबस्ट्रेट बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा स्पेसिफिक टाइप की गैस आ जाएगी ठीक है तो जाओ अपने घर पे माइक्रोब्स को लेके आओ और उनसे बायोगैस बनवाओ और सेल करो चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहां से इसको हाईलाइट कर लो इसको जो भी हाईलाइट हमने किया है ना इसको इन शॉर्ट लिख दो जैसे मैंने अल्कोहल और स्किल निकाया था इसका इसका नोट बगल में बना लो आगे आते हैं कि दीस बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड मिथानोजन इन बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं मिथानोजन बोलते हैं एंड वन सच कॉमनली बैक्टीरियम इज मिथैनो इनका मैथानो का आपका एग्जाम्पल क्या है मिथैनो है ये बैक्टीरिया कहां पे पाई जाती है एनरोबिक स्लज में पाई जाती है जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं ये भी हम कल आपको पढ़ाएंगे लास्ट में एरोबिक टैंक के बाद हमारी एनरोबिक तुम लोग पढ़ चुके माइंड मैक्सिम बच्चे एनरोबिक टैंक के पास में आपका होता है तो वहाँ पे एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर होती है ये बैक्टीरिया हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं देखो सबसे पहली चीज कहाँ प्रेजेंट होंगी अनर... अच्छा आपको पता ये भी एक एम सी क्यू हॉक में तुम लोग को करा रहे थे वहां पर पूछ पूछा गया था कि हमारी बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होती है एनरोबिक बैक्टीरिया दो ऑप्शन था एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर एंड सेकेंड ऑप्शन वाज सेकेंड ऑप्शन वॉस र्यूमिन र्यूमिन क्या है एक आपके स्टमक का पार्ट है कैटल का ठीक है इसको रूमिनंट गट भी बोल देते हैं कभी कभी और थर्ड ऑप्शन था कि क्या बोलते हैं बोथ द अव तो अक्सर बच्चों को क्या होता है वो गट वाला तो याद होता है बट सीवेज वाला कनेक्ट नहीं कर पाते वहां पे गलती करते हैं समझे बस तो ये हो गए हमारे पास अ लॉट ऑफ सेलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल प्रेजेंट इन द द्यूमन देखो आपको पता है होता क्या ये सेल्लोज फीड करते हैं भाई और इनको सेल्लोजिक मटेरियल घास खाती है ना गाय तो उसके क्या उसके स्टमक में तो जाएगा अल्टीमेटली जो खाएगा जब वहां पे जा रहा है तो वहीं पे बैठे इनको अपने मनपसंद सबस्टेट मिल गया बैक्टीरिया ही है तो ब्रेकडाउन करके क्या बना देंगे ब्रेकडाउन करके आपका क्या कर देंगे बैक्टीरिया आपके ब्रेकडाउन कर देते सेल्लोस को और आपका क्या करते हैं अल्टीमेटली uh, मिल जाता है जब अगर ब्रेकडाउन हो गया तो कैटल को न्यूट्रिशन मिल गई और इन रिटर्न इनको मिल गई वही आपको बोला दस दिक्कस क्रीटा जो काउ डंग होती है कैटल की जिसको हम लोग लो गोबर बोलते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होती है और इसको हम बायोगैस जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि गोबर गैस है वैसे एक एक लाइन में तुम्हारा खत्म कर गया ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है ये सेल्लोज ना डायरेक्ट मिथानोजन उस पर फीड वर्क नहीं करते हैं बट यहाँ पर हमारा यही दिया गया तो हम लोग यही करेंगे ठीक है सो so, uh, इसमें हम लोग स्टिकी नोट बनाते हैं इसको क्या मुझे कराने की जरूरत है आज कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे आज कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे आज हम लेंगे आज हम लेंगे आज हम कराएंगे पहले तो माइक्रोब्स माइक्रोब्स आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे मतलब एक तो होगा अपना ये वाला क्या बोलते हैं जो हमारा एनसीआर सीरीज वाला चलता है लाइन वाइज वो रैपिड करा के वो तो बीस मिनट में खत्म हो जाएगा ज़्यादा टॉपिक हुआ नहीं सीवेज हुआ नहीं दूसरा आज हम लाएंगे ब्लैक स्लाइड माइक्रोब्स की और मज़ा आएगा उसमें उसमें ये जो हिडन हिडन अभी जो हमने एक एक लाइन कराई है ना कि कैटल में होती है क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं या फिर सेलुलोज पे फीड करती है कौ डंग में क्या मिलता है कैटल को इन रिटर्न क्या मिलता है इसकी हर एक सेंटेंस को यूज़ करके आज हम लोग क्वेश्चन लाएंगे तो उस क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारा फोकस चेक होगा और कितना ढंग से तुमने पढ़ा है ठीक है इसकी हाँ इसकी स्टिकी नोट इसकी स्टिकी नोट बना लो बच्चों और नहीं तो एक काम करो कि क्या है बायोलॉज बायोगैस जो प्रोडक्ट है कंसिस्ट करता है अच्छा हाँ बायोगैस प्लांट हमारा क्या है ये कंक्रीट टैंक होती है टेन टू फिफ्टीन फिट की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कितनी बार आ चुका है पता है कि कितने फिफ्टी टैंक होती है इतनी छोटे सा डिटेल है अक्सर अच्छा करके ऐसा ऑप्शन दिया होता है दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस ऐसे करके इन विच बायो वेस्ट इसके अंदर हम लोग बायो वेस्ट कलेक्ट करते हैं स्लरी और डंग uh, के अंदर को हम डायग्राम दा, दिखाते हैं एक फ्लोटिंग कवर लगा दी जाती है और ये लेबलिंग में आता है क्वेश्चन वो आज तो तुम लोग का डायग्राम सेशन है ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बना लो तो मैं एक्सप्लेन करने को आएगा ये क्या है ये देखो डाइसर ये पूरा खड्डा खोदा गया जमीन के अंदर है ये दस से पंद्रह फिट है कंक्रीट का बनता है ठीक है और इसके ऊपर से सिलेंडर आपका रख दिया था फ्लोटिंग रखा जाता है ये क्या होती है जैसे से अंदर में गैस बनती प्रेशर बनता है तो ऊपर उठता जाता है ठीक है ये यहाँ पे डंग और वाटर डालते हैं ठीक है इसी को हम लोग स्लरी बोलते हैं ठीक है और ये इधर से मान लो बन गया फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ स्लज इसको निकाल लेते हैं इसको मैन्यूर के फॉर्म में यूज कर लेते हैं और मिट्टी के लेवल पर से मार्क करते हैं जितना उठा उस हिसाब से हम लोग एरिया निकाल के हाइट निकाल के वॉल्यूम निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाता है कितने बायोगैस बनी होगी ठीक है तो इसको हम पूरा खोलते नहीं है और ये देखो यहाँ पे ग्लास गैस होल्डर ये और ये हमारा क्या है ये यहाँ पे नॉब होती है कि जब हमें सप्लाई देनी होती है दे देते हैं ये फ्लोटिंग टैंक है ये ऊपर उठ जाती है ना फ्लोट कर जाती है अंदर में प्रेशर होता है तो तो यहाँ पे बस यही चीज है ठीक है सो थ्री थर्टी पी एम थ्री थर्टी पी एम थ्री थर्टी पी एम तो यही हमारे पास कहानी है अब देखो इसका ना वन शॉट देख लो जिसको अगर पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट करना है टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली दिस सेशन मतलब पॉइंट समझा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स और उसके साथ नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ पे ओनली वी आर लुकिंग फॉर द हिडन एन लाइन या कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस का नोट ऐसा करके एंड काइंड kind ऑफ of, एकदम परफेक्ट रिवीजन वाला चीज़ चल रहा है जिसको भी अगर यहाँ पे कोई नया बच्चा है ना अन तो अकेडमी क्लास ट्वेल्व चैनल सर्च करना है क्लास ट्वेल्थ बाई एनअकेडमी सर्च करना वहाँ पे मैंने माइक्रोब्स का वन शॉट डाला है ठीक है तो कर देना अगर नहीं होगा तो इस चैनल पे भी अपलोड करवा देंगे तो तुम लोग के लिए वहाँ से वन शॉट कर लेना वो शायद एक घंटे का लेक्चर है एक घंटे का है ना हाँ घंटे का है वहां पे तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है so, सो चलिए आते हैं इसको पढ़ते हैं यही आपको बोला है कि जो फ्लोटिंग वाली कवर होती है उनको हम स्लरी के ऊपर रख देते हैं और उस... हाँ? अच्छा स्लरी तो अल्टीमेटली इसमें आ जाएगा तो ये जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है जैसा गैस बनता करता है टैंक में क्योंकि अंदर माइक्रोबेल एक्टिविटी होती है हम लोग इसमें स्लरी में क्या अटैक गोबर और वाटर डाल देते हैं ये बायोगैस में हम क्या करते हैं आपका ये बायोगैस में हम लोग क्या करते हैं इसका एक आउटलेट होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं एक पाइप की सप्लाई होती है देखो ऊपर में है ना और आस पास के देखो ये बड़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नियर बाई हाउसेस सिर्फ आस पास के घरों में जा रही है क्यों क्योंकि ये बहुत ही हाईली इन्फ्लोमेबल होती है तो हम इसको बहुत दूर तक नहीं आ, ये इसका ड्रॉबैक आपसे पूछा जा सकता है कि बायोगैस सस्ता है अच्छा है हम लोग क्यों इतना नहीं यूज़ कर पा रहे उसका रीज़न ये है कि मतलब पहली चीज़ हर जगह काउडंग अवेलेबिलिटी नहीं है और दूसरी जगह ये कि इन्फ्लोम बहुत है तो हम इसको सिलेंडर में भर के अगर पटकेंगे ना बूम हो जाएंगे तो इसका सेल तुम्हें कभी मिलेगा नहीं सिलेंडर के अंदर तो ये आपको बोला है कि स्लरी हो गई। उसको हम कर लेते हैं। जो डंग है अवेलेबल होता है लार्ज क्वांटिटी में रूरल एरियाज में जहां पे कैटल होते हैं और बहुत अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है बायोगेस प्लांट उनका एक ऑफेन है इनको जनरली लोग कहां पर बनाते हैं गांव एरिया में क्योंकि वहीं पर हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी है ना अब यहां पर थोड़ी ना हम बनाएंगे ठीक है ये अलग बात है देखो हम लोग मैन्योर के फॉर्म में मैन्योर के फॉर्म में इंसान की पॉटी भी यूज़ कर रहे हैं ठीक है बट बायोगैस के फॉर्म में नहीं यूज़ हो रही है ठीक है सो so, अभी कितने सारे तो साउथ में कितनी सारी तो पूरी प्रोडक्शन ही ह्यूमन के फेसिस पे है बेस्ड है टमाटर बढ़िया बना रहे हैं वो लोग तो लेकिन अभी हम लोग तो वो सिटी में भी बन सकता है आपके पास अगर किचन गार्डन है निकालो बालकनी बनाओ लेकिन अगर हमें बायोगैस बनाना है तो वो हमें रूरल एरिया में ही करना पड़ेगा ठीक है चलो सो so, यहाँ पे आपका हो गया कहानी खत्म द बायोगैस दस प्रोड्यूज इन यूज टू कुकिंग कुकिंग के लिए भाई गैस का क्या काम है कुकिंग है लाइटिंग है है ना यही सारे चीज़ हो जाएगा पिक्चर ऊपर है टेक्नोलॉजी अच्छा यही यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जो बायोगैस की प्रोडक्शन वगैरह हो गई डेवलपमेंट हो गई वो कौन आपका मेनली मैनेज करता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्स आई ए आ इसको याद रखना और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के वी आई सी इसको याद रखना इसका फुल फॉर्म याद रखना है दोनों चीज तुम लोग भूलते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आ, यही आपको बोला है अगर आपके स्कूल अगर विलेज के आसपास है तो फिर आप इंटरेस्टिंग हो गए कि देखो वहाँ पे बायोगैस प्लांट है कि नहीं है विजिट करो और और जानो और जान के फिर आके बताओ ठीक है so, सो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं एंड जेंटल रिमाइंडर फॉर फ्यू थिंग्स वॉट आर दीज दीज आर कि भाई आपका ये कोड है ठीक है यूज़ कर लो अगर आपको फुल सब्सक्रिप्शन लेना है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ चल रहा है मॉक टेस्ट थ्री थर्टी पर है और क्या काम की चीज़ें और ये तुम्हारे बोर्ड्स के क्वेश्चन थे हाँ और तुम्हारे पास काम की चीज़ है कि तुम्हारी नाइन्टी नाइन रुपीज़ की तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है ये भी सस्ती भी हो गई होगी और ज़्यादा और दूसरी हमारी थ्री नाइन्टी नाइन में बायो चल रहा है ये आज लीना ने लिया ना सब्सक्रिप्शन और थ्री नाइन्टी नाइन में केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री मिल जाएगी थ्री नाइन्टी नाइन में बायोलॉजी अभी हमारा जो चल रहा है इको सिस्टम हमारा चल रहा है ठीक है तो बस ये सारी हमारी कहानी है चलो टाटा बाय बाय चले हम दुआ में याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे बताओ बाय चलो ठीक है बच्चों सी यू इसकी सेशन से वहाँ सैटरडे से संडे को होने वाली हैं थ्री थर्टी मिलते हैं